तुम्हारा भैया राम करता है। अच्छा तुम राम को मानते हो पर राम की नहीं मानते हो। मीठा मीठा गप करो करो थू उधार लगा रहे हो राम का, अब वो काम खुद नहीं कर रहे हो। अब खुद लक्ष्मण की जरा चरित्र पर चला जाए, अब घर में घुस गए जरा निकाल ले काका बजा है। और लक्ष्मण क्या कर कहता है कि गुरु पितु मात न जानो काहू, न मैं माता को जानो न गुरु को जानो न पिता को न जानो। जब ये तो जिनको जिन्होंने पैदा किया है उसी को न जानो तो मर जाए ऐसी संतान। और यही कारण है, आओ जरा अंदर देखो क्या है अभी, आओ चलो आप सब निकाले लाए ना जो घर में आ गए हैं। और जिस समय महावीर विश्वामित्र जी लेने के लिए गए, अब तुम्हारे पिता के सामने कहा कि अरुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर मधमय हो सना था, तुम्हारे पिता ने क्या कहा। अब जरा पिताजी का प्रेम देखो पुत्र के प्रति कितना है। कश्यप सुत प्रेम ही प्राण की नाई, सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान भी है। जब देने की बारी आ गई व्यवहार जगत की तो कहा राम दे तो नहीं बना, राम न मांगो बाकी इनका ले जाके दे सरजू में। ये तो ये संस्कार चल रहे हैं वहां। राजकुमार आदर और संस्कार ये सब हमारे यहाँ से निकलते हैं, संतों के यहाँ से निकलते हैं, गुरुओं के यहाँ से निकलते हैं, महापुरुषों के यहाँ से निकलते हैं। इन संस्कारों का उदय संस्कारों का जन्म ये सब हमारे यहाँ से। और लक्ष्मण की पूर्व बातों पर चलते हैं जो लक्ष्मण ने कहा। लक्ष्मण कुमार ने कहा कि यहाँ पर धनुष टूटा है, ये धनुष आपका नहीं, धनुष किसका है, भगवान शंकर का। और अगर भगवान शंकर का धनुष टूटा है तो उसमें क्रोध गजानन कर जाए, मैया पार्वती कर जाए, भगवान शंकर कर जाए, तुम का तीन पांच कर रहे हो, लक्ष्मण ने कहा है ना, बड़ा ध्यान देना। अच्छा धनुष भगवान शंकर का है तो विरोध भगवान शंकर करे, माँ पार्वती करे, गजानन और खालन करे, परशुराम न करे। अब हम कहते हैं बाबू शत्रु हमने धनुष तोड़ने वाले को माना है, हमने उसको ललकारा है, धनुष तोड़ने वाले को हमने ललकारा है, तो विरोध हमसे धनुष तोड़ने वाला करे, तुम काय बन रहे हो। ये वाला बढ़िया आया भाई। अगर तात्पर्य है कि अगर धनुष जिनका है वो विरोध करे, परशुराम विरोध न करे, तो हमने शत्रु जिसको मारा है तो वो हमारा विरोध करे, तुम काय कार्य हो रहे, तुम्हारा कोई काम नहीं। तो लक्ष्मण कुमार कहते क्रोध, राजकुमार क्रोध भी आवश्यक है, कभी कभी जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो कुछ टेढ़ा भी करना पड़ता है ना, वो भी आवश्यक है। इसलिए हमारी ये घोषणा है कि सहस बाहु समसो रिबो मोरा, सहस्रा बाहु के समान शत्रु है। क्यों, लक्ष्मण ने कहा कि ममता है, तो मैंने घोषणा में कहा था कि सुना हो राम यही शिव धनु तोड़ा, मम नहीं। अगर मैं कह लू कि मम धनु तोड़ा तो यहां मम्मा ने मेरा ममता हो जाएगी, तो मेरा नहीं है ये धनुष, मेरे भगवान शंकर का है। धनुष किसका है, भगवान शंकर का। तो ममता कहां है, शंकर के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति ममता होना चाहिए, संसार के प्रति ममता नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण कुमार ने 10 स्थान बताए, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहद परिवारा। और मैं कहता हूं कि राजकुमार इन 10 ममताओं से मैं अलग हूं। जननी नाम माँ का, मैंने माँ को मारा, पिता के आदेश से मारा, बंधुओं को भी मारा, और पत्नी मेरे है नहीं, जननी जनक बंधु सुत दारा तन, तन से कोई स्नेह नहीं, धन की कोई इच्छा नहीं, सुहद स्नेहियों का परिवार इत्याग, ये सब मेरे जीवन काल से अलग है। राजकुमार इन 10 विभूताओं में मेरी कोई आसक्ति नहीं, कहां है, अपने गुरुदेव के प्रति ममता है। और धनुष के प्रति क्या है, कहा यहाँ पर श्रद्धा है, इस पर आस्था है, इस पर विश्वास है। और यहाँ जहाँ पर श्रद्धा होगी, जहाँ पर आस्था होगी, जहाँ पर विश्वास होगा, अगर वहां श्रद्धा का खंडन किया जाएगा,
अगर आस्था पर चोट दी जाएगी, अगर विश्वास का खंडन किया जाएगा तो वहां पर क्रोध हो। इसलिए हमारा क्रोध है, इसलिए सोच करके बोलो, स्वीकार करके बोलो और संभाल करके बोलो। आइए फिर मैं वहीं पर, चलिए मैं ममता पर ही दे लेता हूं। महात्मा जी कह रहे कि मेरे शरीर में ममता नहीं है, नहीं अच्छी बात है, नहीं होनी चाहिए। कहना ममता है तो भगवान शंकर के चरणों से है, भैया यही तो कहा है। तो हम यह कह रहे हैं कि ममता करो भगवान शंकर के चरणों से करो, संसार के चक्कर में न पड़ो। संसार के चक्कर आप कहते हो कि माता, और मैं कहता हूं कि अगर माता के प्रति आपको ममता ना होती तो जिस समय आपने अपनी माता का शीश काटा और पिता ने कहा वरदान मांग लो, तो वरदान में जानते हो क्या मांगा कि मेरी माता को जीवित करा दो और इनको इस बात का ज्ञान ना रहे कि परशुराम ने इनका शीश। अगर ममता ना होती तो माता को आप जीवित क्यों कराते, ममता ही तो थी, आप माता को जीवित क्यों कराते? क्योंकि ममता जो पृथ्वी पर आ जाता है वो माया मोह में लिप्त हो जाता है। भगवान भी जब पृथ्वी पर आते हैं तो वो भी माया मोह ममता में लिप्त हो जाते हैं। कहो कहो हिरण के पीछे भाग खड़े हो क्या, वो जानते नहीं है, है? वो जानते हैं, लेकिन वो भी क्योंकि भूख गिरत भा धावर पानी जिन जीवई, क्या बात है। आप कहते हो कि संस्कार, हाँ लक्ष्मण ने राम के सिवा किसी को जाना ही नहीं है। मैं कहता हूं मोरे सभी एक ही स्वामी दीन बंधु, बारह हित हितपत जानी, और लक्ष्मण राम मैंने तो उन्हीं को सब कुछ माना, मैं किसी को नहीं जानता। मैं राम के लिए मर सकता हूं और राम के लिए मार भी सकता हूं, क्योंकि जाके प्रिय न राम बैदे ही तजिय ताई कोट बैरी सम जद्य परम सनी ही, चाहे कितना भी प्रिय। और इस समय तो रामराज का डंका बज रहा है, इस समय तो रामराज का डंका बज रहा। आप कह रहे हो कि तुम मेले गए थे, हाँ मेले गए थे, हम मेले गए थे आपके चरणों में, क्यों? क्योंकि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति भोजन करता हो, जो व्यक्ति जल के मध्य में हो, जो व्यक्ति जप कर रहा हो, जो व्यक्ति सो रहा हो, जो व्यक्ति अश्व पर आरूढ़ मतलब घोड़े पर हो, और जिसको ना जानते हुआ उसको प्रणाम नहीं कर। मैं आपको जानता ही नहीं था, आप कौन हो? मैं नहीं जानता था, हमारे गुरुदेव ने बताया, मैंने आपके चरणों में डाल दिया। जब बताया तो भैया हम आपका दंडवत कीन की नहीं की, और आपने आशीर्वाद दिया, दीन शीश जान भरी झोटा, आपने आशीर्वाद भी दिया, इसके लिए आपको साधुवाद कि आपने आशीर्वाद हमको दिया। अब और आगे आइए, आप कहते हो कि धनुष भगवान शंकर का है, मानता हूं भगवान शंकर का, लेकिन मैंने तो महात्मा जी ये जाना है जो भगवान का होता है या जो भगवान का हो जाता है उसकी रक्षा तो स्वयं भगवान करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, सिद्धांत कहता है तनु सदा तिनकर रखवाली और जिम बालक राख है, तो इसकी धनुष की रक्षा भगवान शंकर का ही ना, कि कहूंगा तो गड़बड़ है जमीन, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जिस प्रकार से भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल शोभायमान है, जिस प्रकार से भगवान शंकर के हाथ में डमरू शोभायमान है, तो इसको भी होना चाहिए तो जो पृथ्वी पर कर ही कार हो, कभी इस पर भी तो विचार करो भाई, ये पृथ्वी पर कर क्या रहा, कुछ ना कुछ तो कारण होगा जो पृथ्वी पर आया। फिर दूसरी बात, आप कहे संस्कारी नहीं, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को गुरु की आज्ञा से तोड़ा, स्वेच्छा से नहीं तोड़ा। जब गुरुदेव का आदेश हुआ उठाऊ अमुक भंजऊ भोचापा और मेटऊ तात जनक पर चापा, तब उसने खंडन किया गुरु के आदेश से। तो मैं कहा शंकर जी ये भेजू, मैं कहा तुमको शंकर जी नहीं भेजा, एक जगह शंकर जी ने एक को भेजा था, समाचार जब शंकर बाए वीरभद्र तेरे को पठाए वहां भेजा था, लेकिन आपको भेजा नहीं, आप जबरदस्ती आ गए,
है क्रोध खूब करो, हम गुना कहे न करो, खूब क्रोध करो, लेकिन कौन बिटिया मगर बिटिया के ब्याह मगर लाठी डंडा चले जाओ, तो ये नीक बात है काफी मतलब है, बिटिया का ब्याह हो जाओ आ जाओ आराम से बैठाओ, बढ़िया बनवाई है व्यवस्था, भोज पदार्थ जनक जी ने भोज पदार्थ लो और बैठाओ। बर्तावनों भी बात देते हैं, बर्तावन नहीं बांटी जाती है, हम आओ नजर भेंट सब इनका हम दिवा देवे, लेकिन सही होगी तो बने रहो। एक बात और आपकी आई कोई, आपने कहा कि राजकुमार लक्ष्मण हमने तुमसे तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो धनुष तोड़ने वाले से कहा, और तुम सुनमुन वचन लखन मुस्काने और बोले परस धरई अब माने, कल तुम बीच में काहे बोले, एक शब्द बड़ा बढ़िया बोलो रज बाबा जी, एक बार बोल दो कहा बड़ी अम्मा वो वाला बड़ा बहुत बढ़िया आया, इसके लिए आपको खादवा बड़ी अम्मा बनना चाहिए, जहां पर अपने स्वामी के लिए कोई खड़ा हो जाए सामने, धनुष तोड़ने वाला मेरा स्वामी है और स्वामी को तुम सहस्त्राबाहु उसके समान शत्रु मान रहे हो, जबकि सहस्त्राबाहु ब्राह्मण विरोधी है, क्या धनुष तोड़ने वाला ब्राह्मण विरोधी है का है? सहस्त्राबाहु ने जैसा कृत्य किया आपके यहाँ सब देखकर उससे अप्रसन्न थे, धनुष तोड़ने वाले से कोई अप्रसन्न हो तो मत, तुम्हारी एक गुस्सा घूम ही रहे हो बात बाकी कोई, फिर धनुष तोड़ने वाला मेरा स्वामी है और आप मेरे स्वामी के प्रति ऐसा करना चाहते हो, जब आप मेरे स्वामी के प्रति पर्व उठाना चाहते हो तो हम तुम्हारा आरती धोनिया उतरिए, क्योंकि सिद्धांत कहता है करई स्वामी हित सेवक सोई, स्वामी के हित में मर जाए सेवक या मर जाए, अब बताओ हमारा उसका सेवक और स्वामी का संबंध है, मैं यही रुका हूं। चलिए बढ़िया, लक्ष्मण कुमार के वक्तव्यों को जब मैं सुनने लगा जब विचार करने लगा, लक्ष्मण कुमार कहता है कि हमारा वो स्वामी है तोड़ने वाला, कोई स्वामी का अपमान करे तो क्या हम रुक पाएंगे, इसी तरह समझ लो कि ये हमारे स्वामी का धनुष है तो क्या परेशान हम रुक पाएंगे, भाई अपनी बात तो तुम बता देते हो, ये जो धनुष है हमारे स्वामी का है और चलो स्वामी के बीच में फंसे जा रहे हो तुम, एक हम भी धनुष तोड़ने यहां पर, हमको तुम्हारे भैया ने भी स्वामी माना है, सेवक बन गया है, हाथ जोड़ के कहता है सुना होना आज तो जब स्वामी का स्वामी सामने खड़ा हो जाए तो क्या करना चाहिए सेवक को, भाई एक स्वामी के लिए तो तुम मर मिटने को तैयार हो गए, तो अगर वहीं पर स्वामी का स्वामी खड़ा हो जाए तो वहां पर सेवक का क्या दायित्व बनता है, है? थोड़ा जोर से बोलो, जितनी तेजी से हम सब आए ताकि सुन ले वो, हाँ सुन।